बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जैसा कि आपको मालूम है, ये रमज़ान का महीना है और इसमें कुरान पाक हमारा जो है वो इसके अंदर नाजिल हुआ था, तो इस लिहाज से इस महीने को कुरान का महीना भी कहा जाता है। तो हम सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें और कुरान पाक को समझने की कोशिश करें। आज के व्लॉग में मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ डॉक्टर मॉरिस बकेल के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। तो डॉक्टर मॉरिस फ्रांस में एक क्रिश्चियन फैमिली के घर पे पैदा हुआ और बड़ा होने के बाद फिर उसने फ्रांस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ज्वाइन कर लिया और उसके बाद फिर वो एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर और साइंटिस्ट बन गया। लेकिन उसकी ज़िंदगी का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि उसने फिरौन, जिसको रामेसिस टू के नाम से भी जाना जाता है, उसकी बॉडी के ऊपर उसको रिसर्च करने का मौका मिला और उस रिसर्च के रिज़ल्ट में उसने 63 ईयर्स के एज में इस्लाम कबूल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान शरीफ में बहुत सारी जगहों पे ये स्टोरी लिखी गई है कि किस तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार पे में पहुँचे। लेकिन बाद में जब फिरौन को पता चला तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मारने का इरादा कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फ़ैसला किया कि इजिप्ट छोड़ के किसी और जगह पे चला जाए। तो जब वो रवाना हुआ तो उस दौरान फिरौन को पता चला कि ये इजिप्ट से जाने लगा है, तो अपना लश्कर लेके उसका पीछा किया और उसको मारने की कोशिश की। तो जाते जाते जब मूसा अलैहिस्सलाम रेड सी के नॉर्थ साइड पे जो नहर स्वेज है या गल्फ ऑफ स्वेज है, जब वहाँ पे पहुँचे मूसा अलैहिस्सलाम, तो अब आगे पानी है और पीछे फिरौन की फ़ौज थी। तो वहाँ पे अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म किया कि अपनी लाठी को ज़मीन पे मारो। तो जब उन्होंने अपनी लाठी मारी तो वो तो एक मिरेकल था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, तो उसकी वजह से नहर स्वेज जो है वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया और पानी का बहाव रुक गया। तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दे दिया और उस रास्ते के थ्रू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसके जो साथी थे नहर स्वेज को क्रॉस किया। तो इस दौरान फिरौन ने भी सोचा कि वो भी इसी रास्ते को फॉलो करे, तो वो भी उसके पीछे पीछे चलता गया। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किनारे पे पहुँचे तो उसके बाद अल्लाह पाक ने नहर स्वेज़ को ऑर्डर किया अपना रवाना हो जा। तो जब पानी चलना शुरू हो गया तो उसमें फिरौन और उसके सारे साथी जो है उसके अंदर गर्क हो गए और उसके बाद वहाँ के लोगों ने उसकी बॉडी को रिकवर किया पानी से। उसके बाद उसकी ममीफिकेशन की, उस पूरे बॉडी को उन्होंने प्रिजर्व कर लिया और इजिप्ट के नाइल रिवर के नॉर्थ साइड पे एक जगह है जिसको बोलते हैं द वैली ऑफ किंग्स। तो उस वैली ऑफ किंग्स के अंदर फिरौन को अपने पूरे सोने चांदी के साथ उसको वहाँ पे दफना दिया गया। तो व्यूअर्स, अब आते हैं डॉक्टर मॉरिस की तरफ कि उसने इस्लाम कैसे कबूल किया। तो बेसिकली 1980s के अवाखिर में फ्रांस की गवर्नमेंट ने इजिप्ट से रिक्वेस्ट किया कि ये जो रामेसिस टू यानी फिरौन की जो बॉडी है उसको फ्रांस के हवाले किया जाए ताकि वो उस पर रिसर्च करें और उसके अंदर जो सीक्रेट्स हैं उनको सरफेस पे ले आए। तो इजिप्ट ने उसकी बॉडी फ्रांस के हवाले कर दी और फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की टीम बनाई और उस टीम का इंचार्ज जो है वो डॉक्टर मॉरिस को बना दिया। तो रिसर्च कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर मॉरिस ने जो दो चीज़ों की निशानदेही की,
वो एक तो ये थी कि उसने कहा कि फिरौन की डेथ जो है वो पानी के अंदर हुई थी और उसके फौरन बाद उसको रिकवर करके उसकी बॉडी को प्रिजर्व कर लिया गया था। और दूसरा जो उसने इंकिशाफ किया था वो ये था कि जो बाकी दूसरी ममीज़ हैं उनकी बॉडीज़ जो है ना वो डिकम्पोज हो गई हैं और उनका शेप ख़राब हो गया है, लेकिन उनके मुकाबले में जो फिरौन जो रामसेस टू की बॉडी थी वो मोस्टली इंटैक्ट थी। उसके बाद किसी ने उसको बताया कि कुरान शरीफ के अंदर भी इस फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा है, तो उसने फिर इस्लामिक कंट्रीज़ का रुख कर लिया और वहाँ पे जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ करने शुरू कर दिए। तो उसमें जो दो चीज़ों का उनको पता चला और उसने डॉक्टर मॉरिस को इम्प्रेस कर लिया, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। व्यूअर्स, उसमें जो पहला रेफरेंस जो है वो सूरह अनफाल से आयत नंबर 54, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कदाब आल फिरौन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बे आयात रब्बिहिम फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम वअग़रकना आल फिरौन वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन। और इसका जो उर्दू तर्जुमा है वो ये है कि इनकी आदत आले फिरौन और उन लोगों की आदत जैसी है जो इनसे पहले थे, उन्होंने अपने रब की आयात को जुटलाया और हमने इन्हें इनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया और हमने आले फिरौन को गर्क कर दिया और वो सब जालिम थे। जो दूसरा रेफरेंस है वो सूरह यूनस से आयत नंबर 1991 और 92, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वजावजना भी बनी इसराइल अलबहरा फ़अतबाहुम फिरौन व जुनूदुहु बग़यं व अदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़र्क़ु क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनौ इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन आल आना वक़द आसैत क़ब्ल व कुंत मिनल मुफ़सिदीन फ़लयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन ख़ल्फका आया व इन्ना कसीरन मिनन्नास अन आयातिना लगाफिलून। और इसका उर्दू में तर्जुमा कुछ ऐसा है कि और हमने बनी इसराइल को समंदर से पार कर दिया, फिर फिरौन और उसके फौजों ने सरकशी और जुल्म से इनका पीछा किया, हत्ता कि जब वो गर्क होने को पहुंचा तो पुकार उठा, मैं ईमान लाता हूं कि बेशक उस जात के सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनो इसराइल ईमान लाए और मैं मुसलमानों में से हूँ। अल्लाह ने फरमाया, क्या अब ईमान लाता है जबकि तू पहले नाफरमान था और तू फसाद करने वालों में से था, चनांचे आज हम तेरा जिस्म बचा कर समंदर से बाहर निकाल फेंकेंगे ताकि तू अपने पिछले वालों के लिए निशान इबरत हो और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। सदकल्लाहुल अज़ीम। ये सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर मॉरिस को बड़ी हैरानगी हुई कि फिरौन जो है वो इस्लाम से 1500 साल पहले समंदर में गर्क हुआ था, तो कुरान शरीफ में इनको कैसे पता चला कि 1500 साल पहले क्या हुआ था। तो वहाँ से उसको यकीन हो गया कि ये कुरान जो है ये एक आसमानी किताब है। उसने कहा कि मैं इस कुरान पे यकीन रखता हूँ और आज के बाद से मैं इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया हूँ। इसके बाद डॉक्टर मॉरिस फ्रांस वापस चले गए और वहाँ पे उन्होंने एक किताब लिखनी शुरू की जिसका नाम था द बाइबल द कुरान एंड साइंस। तो वो किताब जो है पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुई और उसकी बहुत सारी जुबानों में उसका तर्जुमा भी हुआ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।